मेरा नाम प्रभुनाथ चौधरी है। मैं बिहार महेशपुर गांव का रहने वाला हूं और मेरा बर्थ प्लेस जो है महेशपुर ही है और मेरा वर्किंग प्लेस जो है ना नागपुर था। कोल इंडिया में सर्विस के बाद आफ्टर रिटायरमेंट मैं सनातन धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया। राम कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण, शिव महापुराण ये कथा करते हुए और सनातन धर्म का जो मूल उद्देश्य है सत्य सत्य धर्म अहिंसा दया सेवा परोपकार और शुद्ध शाकाहारी भोजन, इसके ऊपर जो है मैं पूरे विश्व में जो है सुबह 3:30 बजे मैं मॉर्निंग में उठता हूँ। मॉर्निंग में उठने के बाद स्नान स्नान से निवृत्त होने के बाद में पिछले 6 महीने से मैं PMC हिंदी चैनल देख रहा था तो पत्री जी का मैसेज जब देखा कि ध्यान करो ध्यान करने से सारा जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करने के दौरान जो है मुझे 6 जनवरी 2011 को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग दिव्यानंद मूर्ति सत्चित आनंद सच्चिदानंद हूँ। शरीर का रिलेशन जात पात धर्म मजहब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई राजा प्रजा ये सारी चीज़ें जो है ये शरीर के रिश्ते हैं और शरीर से मैं अलग हूँ, ये ज्ञान मुझे 2011 में प्राप्त हुआ। और इस कॉन्सेप्ट को मैं क्या बोलते हैं बुक्स में जो है ना 542 पेज में मैंने एक बुक्स लिखी, हाउ यू कैन सी द गॉड, परमात्मा को आप कैसे प्राप्त कर सकते हो और इस पृथ्वी लोक में ही हर समय आप सुख से आनंद से जीवन कैसे बिता सकते हो। चूँकि शास्त्रों के अनुसार जो है 4 जो है युग है, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग। तो सतयुग में सभी लोग ध्यान करते थे, त्रेता युग में यज्ञ करते थे, द्वापर युग में जो है ना पूजा पाठ करते थे और कलयुग में केवल नाम स्मरण बताया गया। परंतु भागवत महापुराण करने के दौरान जब मैं लेक्चर वगैरह प्रवचन दे रहा था तो मुझे जो है ना सत्य की खोज में कथा तो मैं कर रहा था लेकिन मुझे एक्चुअली रियल फैक्ट क्या है उसके चक्कर में गुरुद्वारा से लेके जितने भी आपका मंदिर मस्जिद वगैरह है भारतवर्ष में तीर्थ स्थल हैं, चाहे वो द्वारिका हो, बद्रीनाथ हो, हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, आपका क्या बोलते हैं जगन्नाथपुरी, गंगा सागर वगैरह वगैरह, जितने भी आपका परशुराम कुंड वगैरह, पूरे पृथ्वी लोक में मैं अपने भारतवर्ष का करीब 4-5 बार भ्रमण किया और भ्रमण करने के दौरान कुछ कृपा हो गई परमात्मा की। तो सुबह सुबह मैं 6 जनवरी 2011 को जब जगा सोने के बाद 3:30 बजे तो अचानक से मुझे सारे कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर हो गए कि आप जो है मनुष्य शरीर में नहीं हो। क्योंकि शिव महापुराण में स्पष्ट भगवान शिव ने कहा है ओम श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम आद्यंत मंगलम जात समान भव मारियम तमी समज राम रमात्म देव्यम पंचानन प्रबल पंच विनोद शीलम संभावी मनसी संक्रम विकेशवम ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम मलेश्वरम अरण्यांग वैद्यनाथं च डाकिन्या भीमशंकरम सेतु वंदे तु रामेशम नागेश दारुकावने वाराणस्या तो विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तो केदारम ग्रीष्मेशम शिवालय एतानी ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः प्रेनरा सप्त जन कृतम पापम अश्वेन विनश्यति इति द्वादश ज्योतिर्लिंगानि संपूर्णम। अर्थात शिव महापुराण में शिव जी ने स्वयं कहा है कि संसार में आपको आकाश अग्नि वायु जल पृथ्वी मनुष्य गंधर्व देवी देवता वगैरह जितने भी पशु पक्षी जितने भी कुछ दिखाई दे रहे हैं सब मेरा स्वरूप है, स्वयं शिव जी ने कहा। जब स्वयं शिव जी ने कहा है कि मेरा स्वरूप है तो जैसे मेरे शरीर का नाम प्रभुनाथ है तो मैं प्रभुनाथ हूँ ही नहीं,
स्वयं शिव जी कह रहे कि ये शरीर मेरा है, तो मैं कहाँ से आ गया? तो ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हुआ 2011 में। अच्छा, वेद शास्त्र पुराण में भी, श्रीमद् भागवत महापुराण में अस्पष्ट लक्ष्मी नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा है, ओम श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदेत सत्सत् परम पश्चादहं यदि तच्च योगशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋते अर्थम यत् प्रतीतं प्रतीच्छात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथाभासो यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च चावचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु नातेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वेवेतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नोयतः प्रभो नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमना तम नमामि हरिं परम ओम हरये नमः ओम हरये नमः ओम हरये नमः हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। एक अनंत त्रिकाल सच चैतन्य शक्ति दिखात सृजत पालत हरत जग महिमा वर्णी न जात, आप ही गुरु आप ही चेला। अर्थात गुरु नानक देव जी ने भी कहा है कि आप ही गुरु हो आप ही चेला हो, और हमारे वेद शास्त्र पुराण और शिव महापुराण में भागवत महापुराण में स्पष्ट कहा गया है कि संसार में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है सर्वस्वरूप में मैं हूँ, मेरे सिवा संसार में कोई नहीं है, चूँकि मैं परमात्मा मेरा निराकार स्वरूप है, मेरा साकार स्वरूप है नहीं। मैं लीला करने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए, स्वयं को खुशी प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए मैं संसार में प्रकट होता हूँ, और लीलाएं करके जब हमारी इच्छा होती है तो मैं अपने उदर में समेट लेता हूँ। जैसे मकड़ी को भूख लगती है तो जाला बनाती है, और जाला बनाने के बाद में जब उसका भोजन का आहार मिल जाता है तो मकड़ी जाले को जो है अपने उदर में समेट लेती है। तो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार जो है मेरा नित्य का 2011 से नियम है, YouTube और Facebook के माध्यम से सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे स्नान उस्नान करने के उपरांत मैं नित्य जो है मैसेज भेजता हूँ कि विश्व के सभी मानव समाज प्राणियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, और आप जो है सत्य धर्म के मार्ग पर चलें, अहिंसा के मार्ग पर चलें, शुद्ध शाकाहारी भोजन लें, जियो और प्रेम से जीने दो। ये कॉन्सेप्ट जो है सनातन है। सनातन धर्म का मतलब वो हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या ईसाई या क्रिश्चियन धर्म नहीं है। सनातन धर्म का मतलब है कि जो सत्य को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, अहिंसा, दया, प्रेम, सेवा, करुणा, और जिसको मतलब क्या बोलते हैं, जियो और प्रेम से जीने दो, जिसकी ये प्रवृत्ति है विश्व में कोई भी हो वो सनातनी। ये कॉन्सेप्ट जिसको क्लियर हो गया है तो इफ यू विल गो इन राइट डायरेक्शन देन यू विल बी नेवर प्रॉब्लम इन योर होल लाइफ, एंड इफ यू विल गो इन रॉन्ग डायरेक्शन देन यू विल बी प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। तो हमारे सदगुरुदेव पत्री जी का जो आपका प्रोग्राम चल रहा है पिछले कई सालों से, तो मुझे पता नहीं था, तो मैं अपने घर में एक दिन जब टीवी स्टार्ट किया तो PMC चैनल सामने आ गया, तो मैंने देखें ये है क्या, तो बड़ा अच्छा लगा कि ये तो जो मेरा कॉन्सेप्ट है उसी के ऊपर में इनका लेक्चर चल रहा है। तो मैं वो देखते रहा, देखने के बाद जो है ना हमारी प्रबल इच्छा हुई कि एक बार पत्नी जी से आकर के मिलूँ यहाँ पे। बाद में पता चला कि वो तो ब्रह्मलीन हो गए जुलाई महीने में, फिर भी मैं बोला चलो यहाँ पे महेश्वरा पिरामिड में जाकर के पूरी जानकारी लेता हूँ। तो आने के लिए 20 दिसंबर को मैं प्रोग्राम बनाया, रिजर्वेशन मेरा कन्फर्म नहीं हुआ, 23 तारीख को जो है ना लास्टली मुझे आना था, तो मैं जनरल टिकट लेकर के AC की बॉगी में बैठ गया। भगवान की ऐसी कृपा हुई या पत्नी जी का कह लीजिए कि जिस बर्थ पे मैं सोया रहा रात भर, कोई भी आदमी आया नहीं वहाँ पे, मैं आराम से आया। लेकिन उसी दौरान 3-4 बार टीटी जो है गया और आया, उन्होंने टच नहीं किया कि आपके पास टिकट है कि नहीं। तो मैं थोड़ा थोड़ा अंदर अंदर डर भी रहा था, लेकिन भगवान का नाम भी ले रहा था,
लच्चो लोग फाइन करेगा तो फाइन भर देंगे, लेकिन मैं सेफली हैदराबाद आ गया और हैदराबाद से करताल आपके सामने महेश्वरा पिरामिड में हूँ। और आप सभी का मेरा हार्दिक अभिनंदन स्वागत है कि आप विश्व के लिए, सनातन धर्म के लिए और मनुष्य के कल्याण के लिए जो आप काम कर रहे हैं, ये पीएमसी हिंदी चैनल, पीएमसी हिंदी चैनल का तो मैं मतलब बहुत बहुत अभिनंदन और आशीर्वाद देना चाहूँगा कि ये खूब फले फूले और विश्व में इनका नाम जो है डंका बजे, जिससे कि हमारे जितने भी संत समाज है जिसका कॉन्सेप्ट ही है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम, शांति शांति शांति। ये कॉन्सेप्ट तो सनातन धर्म का है और हमारे सुभाष पत्री जी जिन्होंने पिरामिड के माध्यम से पूरे विश्व में एक क्रांति ला दी है, तो उसको भी अगर हम आप एक्सेप्ट करते हैं और उस मार्ग पे चलते हैं तो निसंदेह जो है ना सतयुग आ जाएगा। क्योंकि सतयुग में सभी लोग ध्यान करते थे और ध्यान के बारे में ही पत्री जी बताते हैं, और त्रेता युग में यज्ञ करते थे, द्वापर में पूजा पाठ करते थे, और कलयुग में केवल नाम स्मरण, केवल नाम स्मरण करते थे। तो इस तरह से जिस मेरा मतलब एक्सपीरियंस ये है कि जिस वक्त कलयुग का जन्म हुआ उसी वक्त सतयुग भी प्रारंभ हो गया। मीन्स जैसे आपके शरीर का जिस वक्त जन्म हुआ, माँ के गर्भ से आप आए, तो उसी वक्त आपका मृत्यु भी शुरू हो गया। तो इन द वे दूसरे वर्डों में ये कहना चाहूँगा कि धर्म और अधर्म का जो अनबैलेंस बैलेंस है, ये सदियों से जब से संसार बना है तब से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा पूरे विश्व में कि सभी लोग जो है ना पत्री जी के विचारों को अपने साथ आत्मसात करें, जिससे कि उनके घर में, परिवार में सुख शांति समृद्धि हो, सभी प्रेम से प्यार से रहेंगे, आपसी जो है ना झगड़ा लड़ाई ऑटोमेटिक अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने कहा है कि सभी के अंदर में एक ही परमात्मा विराजमान है, जैसे सूर्य और सूर्य का किरण, गुलाब का फूल और गुलाब का खुशबू दोनों एक ही है। तो आत्मा के रूप में सभी के हृदय में परमात्मा ही विराजमान है, और हम आप सोचते हैं कि ये हमारा विरोधी है, ये हमारा दुश्मन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये संसारी बातें हैं कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। नेचुरली जो है ना आपका आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर आप आए डीप में, तो वी आर वन। हमारा आपका जो है ना पूरे विश्व में जो है ना कोई झमेला ही नहीं है। तो इस चीज़ को जो है हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और आत्मसात करना चाहिए, जीवन में धारण करना चाहिए। जीवन में आप धारण करेंगे उसको, प्रैक्टिकली अगर धारण करेंगे तो ही जो है ना संसार में शांति आएगा। क्योंकि सबका जितने भी साधु संत महात्मा गुरु वगैरह जितने भी हैं, सबका एक ही कॉन्सेप्ट है कि संसार में शांति कैसे आए, सभी लोग प्रेम से कैसे जिए और जीने दें। हाँ, जीव हत्या करके जो मांस हम खाते हैं तो अपने पेट को ही जो है ना श्मशान घाट बनाते हैं। तो हमारे गुरु नानक देव जी ने भी कहा ना, एक अनंत त्रिकाल सत चैतन शक्ति दिखात सृजत पारत हर जग महिमा वरिण्य निजात। आपे गुरु आपे चेला। तो ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत पहले हमारे गुरु नानक देव जी ने हमें संदेश दिया है, तो उसका पालन आप देखिए गुरुद्वारे में आप जाइए, दिल्ली गुरुद्वारा से लेके जहाँ भी मैं बहुत सारे जगहों में गया हूँ, वहाँ तो देखा हूँ कि कोई भेदभाव है ही नहीं। जबकि कितने सारे मुगलों ने अत्याचार किया था, उसके बावजूद भी जो गुरु की पगड़ी है कि भाई सभी आओ, सबका स्वागत है। और गुरुद्वारे में आप जाइए तो सबसे पहले बोलेंगे कि भाई भोजन करो, आप प्रसाद लो, उसके बाद ही जो है ना और बाकी बात होगी। पहले जो है ना भोजन करो, चाहे वो राजा हो या रंक हो, अकबर बादशाह ही क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहले और क्या बोलते हैं, लंगर छको। तो ये कॉन्सेप्ट है उनका। मैं एक संदेश और दे करके समाप्त करना चाहूँगा शिव महापुराण के माध्यम से। ओम आदिंत मंगलम जात समान वार्यम तमी समझ राम रमात्म देव्यम पंचानन प्रबल पंच विनोद शीलम संभावी मनसी शंकरम विकेशम ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम मलेश्वरम परल्यांग वैद्यनाथं च डाकिन्या भीमशंकरम सेतु वंदे तु रामेशम नागेश दारुकावने वारणस्यादु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमीतटे हिमालये तु केदारम गिरीश्रीनेशम शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्द्रा
सप्त जन्म कृतम पापम अस्मिन् विनश्यति इति द्वादश ज्योतिर्लिंगानि संपूर्णम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम शांति शांति शांति। प्रेम से बोले सनातन धर्म की जय। गो माता की जय। टीएमसी हिंदी चैनल की जय। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट की जय। आज के आनंद की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आपने हमें यहाँ पे मौका दिया, इसके लिए मैं पीएमसी हिंदी चैनल का हृदय से अभिनंदन करता हूँ और आपसे निवेदन भी करता हूँ कि हमें बार बार मौका दें जिससे कि मैं अपने मैसेज को आपके माध्यम से सारे दुनिया में फैला सकूँ। धन्यवाद, अभिनंदन।